नमस्कार, आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन। जी हाँ, इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे ई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और हम आपको बता दें कि क्लास 9 के हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। एंड द सब्जेक्ट दैट वी हैव टेकन अप टुडे इज मैथमेटिक्स। अंडर दिस सब्जेक्ट वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स, एंड टुडे वी विल बी टेकिंग द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और हम आपको बता दें कि आप हमारे इस सेशन को फिलहाल हमारे जो YouTube चैनल NCERT Official है उस पर लाइव नहीं देख पा रहे हैं, बट इट विल बी अपलोडेड शॉर्टली, और आप हमारे इस सेशन का तब YouTube NCERT Official पर रिपीट वेबकास्ट देख सकते हैं। और क्योंकि सेशन है पूरी तरह लाइव और इंटरैक्टिव, तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड द फोन नंबर इज 8800440559। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं एंड द ईमेल आईडी इज dth.class9@ciet.nic.in। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस सेशन में हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट, शी हैज जॉइंड अस ऑनलाइन, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू हर। हमारे साथ हैं मिसेस बीना प्रकाश। मैम, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू हरप्रीत जी। थैंक यू मैम। ऑल माय लर्नर्स जी। एंड हम बताना चाहेंगे दैट मैम इज सीनियर PGT मैथमेटिक्स फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल, और अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मैम को डायरेक्ट कर सकते हैं। मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से समझाने वाले हैं। तो हम सेशन में आगे बढ़ते हैं, और मैं एक बार फिर आप सबको बताना चाहती हूँ दिस पर्टिकुलर सेशन इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 1। सो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि क्वाड्रिलेटरल्स जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इन्हें समझ सकते हैं? जी, ये एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल वर्ड इज कनेक्टेड टू सम फिगर, ठीक है जी। और फिगर ऐसा है, ये क्लोज्ड फिगर है। हाँ जी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है मैंने क्वाड्रिलेटरल, एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, इट्स अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अच्छा, अब क्वाड मीन्स क्वाड्रिलेटरल का ये जो क्वाड पार्ट है ना, दैट मीन्स फोर साइडेड, इट इज फोर साइडेड। ओके, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन में ये फोर साइड्स का इंपॉर्टेंट है, इट्स अ फोर साइडेड क्वाड जो है इट इज, एंड लैटरल मीन्स साइड्स। तो कोई भी एक फिगर बनेगा, आप कोई भी फिगर बनाएंगे, जैसे ये एक फिगर बना, स्ट्रेट लाइन से कोई एक फिगर बनता है तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे साइड्स दिख रहे हैं, ये एक फिगर होता है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएंगे जी, तो हम पेंटेगन बोलेंगे, 5 साइड फिगर है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले तो ये है कि हम कोई फिगर बनाते हैं उसके मिनिमम कितने साइड होने चाहिए, तो हम छोटे क्लास से देखते आए, जस्ट ए रिविजन, आप जैसे पूछे तो मैंने उसका जस्ट बता रही कि अगर हमारे पास 2 साइड है तो ये क्लोज रीजन बताएगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें एक और साइड से ही हम इसको कवर कर सकते हैं, तो दैट इज ए क्लोज फिगर विद साइड्स, लेंथ साइड्स जो है लाइन सेगमेंट से बनाना है, right. तो मिनिमम 3 साइड्स चाहिए, एंड क्लोज फिगर इज नोन एज अ ट्रायंगल। अगर हमने वो ट्रायंगल के 3 साइड्स की जगह अगर मैंने और 2 साइड्स यूज किए तो वो बन जाता है क्वाड्रिलेटरल। ऑलराइट। अच्छा, अब 2 साइड्स के बदले अगर मैंने और 2, देखिए तो नंबर ऑफ साइड्स आई एम इंक्रीजिंग, यस, दिस बिकम्स अ 5 साइडेड फिगर, ऐसे 6 साइडेड फिगर बन सकता है, 7 साइडेड फिगर बन सकता है, हर हर का नाम होता है जी। तो इन जनरल हम उसको बोलते हैं पॉलीगन्स, राइट, ठीक है, मेनी साइडेड फिगर, क्लोज्ड फिगर, इट्स अ मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो हम पर्टिकुलरली एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 8 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, ठीक है। नाउ क्वाड्रिलेटरल देखा है आपने, यहाँ पे मैंने बनाया है एक क्वाड्रिलेटरल, ये है हम, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, हमारे साइड्स बनाने के बाद ये जो कॉर्नर्स इसको वर्टाइसेस बोलते हैं, और उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, गेटिंग इट, राइट। ये ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ LMNO इज अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ UVWX इज अ क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से मैंने अलग अलग तरीके के 4 साइडेड फिगर्स बनाए हैं जी।
आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है शेप में. यस मैम. डिफरेंस ये दिख रहा है कि पहला जो फिगर है, दैट्स अ फर्स्ट फिगर, दिस इज अ फर्स्ट फिगर, इस फर्स्ट फिगर में ऑल साइड्स आर डिफरेंट, है ना, ऑल साइड्स आर डिफरेंट. अब आप दूसरे फिगर को देखिए, दूसरे फिगर में देखिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिख रहा है. अच्छा, ये एरोस का रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये जो साइड लाइन सेगमेंट पी क्यू और एस आर जो है, दे आर पैरेलल. ओके ओके, दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन फॉर पैरेलल लाइंस. ठीक है, जब हम ज्योमेट्री में हम बनाते हैं ना कोई डायग्राम, उस डायग्राम को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, तो वो उसमें से एक रिप्रेजेंटेशन है ये पैरेलल वाला. ठीक है, तो अब इसमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाले फिगर में ऐसा एरोस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब चारों साइड्स अपने रैंडम साइड लाइक साइड लेंथ है ना. अब ये वाले इसमें क्या दिख रहा है आपको, पी क्यू जो है इज पैरेलल टू एस आर, तो दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल जहां वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑब्वियसली ऑपोजिट एडजेसेंट हो नहीं सकता, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो सकते, एस आर एंड पी एस जो है आपस में पैरेलल नहीं हो सकते हैं, सो देयरफॉर इट हैज टू बी ऑपोजिट साइड्स, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अब इस वाले थर्ड फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि आपके दो साइड्स में एरोस दिख रहे हैं, एक एरो डाउनवर्ड फेसिंग है, दैट मीन्स ये दोनों साइड पैरेलल है, और एक राइट साइड फेसिंग है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो इसमें दोनों पेयर्स पैरेलल है. जी, आपको अगर देखेंगे फोर्थ वाला फिगर देखेंगे, उसमें भी सेम रिप्रेजेंटेशन है. फिफ्थ फिगर में भी आपको सेम रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, सिक्स वाले फिगर में भी आपको सेम रिप्रेजेंटेशन दिखेगा आपको. तो आपको थर्ड से लेके फिफ्थ तक, इट्स फिफ्थ एंड सिक्स्थ तक, यू विल फाइंड दैट बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, राइट. तो ये एक कैटेगरी के क्वाड्रिलेटरल होता है. और फाइनली ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का खासियत ये है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, इसमें कुछ ना कुछ तो आपको दिख रहा है, फिगर देख के आप समझ पा रहे हैं कि ये जो साइड लेंथ है ये इसके इक्वल है, और ये जो साइड है इट इज इक्वल टू दिस साइड. यस, सो दैट मींस ये एक अलग तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, जहां दो दो एडजेसेंट साइड्स जो है, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल एंड अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट दे आर ऑल्सो इक्वल. तो ये एक्चुअली आप ध्यान से देखिए, इस शेप से हम वाकिफ है, देखिए हमने ये शेप देखा है, ये काइट है ना, इसी को बोलते हैं काइट, ऐसे बनता है ना, राइट मैम. तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो समथिंग रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल ओनली. उसमें फर्स्ट जो चीज है, एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे, आर ऑल गिवन फिगर्स इन दिस क्वाड्रिलेटरल, आप जरा चेक करके बताइए मुझे, आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट्स अ फोर साइडेड फिगर. सेकंड इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. यस, 2 3 द थर्ड वन इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इट हैज फाइव साइड्स. वेरी गुड, वेरी गुड. एक्चुअली दिस इज साइड 1, यस, दिस इज साइड 2, दिस इज साइड 3, दिस इज साइड 4, और ये बन गया फिफ्थ साइड. सो विल दिस बी क्वाड्रिलेटरल? नो. And the rest आप देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, they are all quadrilaterals. Yes. Except for figure C, the rest all are quadrilaterals. Yes. Okay. Now we move on to the next, that is, what information do we have regarding a quadrilateral? This is the first information, that is, sum of all the interior angles of a quadrilateral will be 360 degree. That is, अगर हमने ये चार angles बने ना, vertices जो बोला मैंने उसको angles से represent. This is, we are known as the angles, interior angles of a quadrilateral. ये angles बन रहे, देखिए ना, एक DA and AB, that's an angle A. So we have angle A plus angle B plus angle C plus angle D as, सॉरी दिस इज 360. आई एम वेरी सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने ऐड करके गलत लिखा, देखो ये गलती भी, बच्चे इस तरह की गलती भी करते हैं, तो हम रहे तो बच्चे भी करते हैं, तो हम यूजुअली बच्चों का ये गलती को कई बार, इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि जो भी कैलकुलेशंस है साइड में करें, ताकि इस तरह की कोई गलती है तो हम टीचर्स जो है बच्चों को बहुत कंसिडर करते हैं, हम ओवरलुक करते हैं. Right. कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 180 प्लस 180, लिखते लिखते 360, जब हमसे ये गलती होगा तो बच्चों से भी ये गलती होता है. बिल्कुल. तो दिस इज 360 डिग्री, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ठीक है, सो हाउ डिड वी प्रूव इट? अब देखिए,
अब एक अच्छा ये और चीज है, दिस इज डी एंड बी, ये ए डी ए बी ए सी सॉरी बी डी सी एंड बी सी, दे आर नोन एज साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब एक और लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको डी बी, और ये एक और लाइन सेगमेंट दिख रहा है ए सी, तो वॉट आर दीज ए डी ए सी एंड डी बी, ए सी एंड बी डी दे आर नोन एज आर द डायगनल्स ऑफ अ पैरेलल क्वाड्रिलैटरल, डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, दे आर नोन एज अ डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अब ये डायगनल जो है, ये ट्राइंगल को टू इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक डायगनल बी डी जो है ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया क्वाड्रिलैटरल। वैसे अगर ए सी को भी देखेंगे तो ए सी भी क्वाड्रिलैटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, ए डी सी एंड ए बी सी। तो लेट अस सी व्हाट वी हैव, तो अपने पास एक रिजल्ट है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वो रिजल्ट ये लिखा मैंने, और दूसरे ट्राइंगल में भी सेम रिजल्ट है, दोनों ट्राइंगल का रिजल्ट सेम है। अब दोनों को जब एड करेंगे हम, तो वी हैव एंगल ए एंगल सी लिखा है, और ये नंबर्स में ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये भी याद रखना, दीज आर रिप्रेजेंटेशन, मैंने इसका रिप्रेजेंट किया, अदरवाइज मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। एंगल वन को मुझे लिखना इन टर्म्स ऑफ वर्टाइजेस एज एंगल ए बी डी, इतने लिखने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए हम बोलते बच्चों को रिप्रेजेंटेशन यूज करो, या तो आप नंबर्स लिख सकते हैं या तो लिटरल्स, दैट इज ए बी सी डी यूज, छोटा स्मॉल लेटर ए बी सी डी यूज करते हैं, मैंने यूज किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से हमें कन्वीनियंट होता है एक्सप्रेशन लिखने में। तो ये पहला एक्सप्रेशन लिखा है वन एंड थ्री के साथ, टू एंड फोर के साथ नेक्स्ट एक्सप्रेशन। तो आपने देखा कि वन एंड टू जो है, वन एंड टू मिलाएंगे अगर पूरा, एडिशन मीन्स सम अप, एड ऑन करने के लिए। तो अगर मैंने एड ऑन किया है तो इज इंट इट एंगल ए बी सी विच इज एंगल बी, लाइकवाइज थ्री एंड फोर को एड ऑन किया तो ये पूरा एंगल बनेगा, which is nothing but angle D of this quadrilateral. तो ये left hand side का addition is four angles of the quadrilateral, right side का addition 180 plus and 180, that is 360. So this is one information regarding a quadrilateral. Now we move on to the next, that is types of quadrilaterals. जैसे मैंने बताया था कि हमने first एक random बनाया था, चारों अलग अलग sides दिख रहे थे मुझे, और दूसरा एक बनाया था जहां पे एक pair One pair of opposite sides are parallel. So, उसको बोलते हैं trapezoid. दूसरा है कि both the pairs, अगर दोनों pairs parallel है, जैसे third, fourth, fifth, sixth तक हमने देखा ना, वो parallel, दोनों pairs parallel है, then that is known as a parallelogram. So, this is a trapezoid and this is a parallelogram. This is known as a parallelogram. Fine? अब देखिए, अब हमें क्या है इस चैप्टर में, we need to deal with parallelograms. हम parallelograms के बारे में पढ़ेंगे। अब parallelogram word clearly दे रहा है parallel, तो it is connected to something parallel, ठीक है? तो हम कुछ properties अगर पढ़ेंगे, तो हमें recollect करना है those properties that is connected to the parallel lines. तो वो connect करके हम कैसे क्या prove कर सकते हैं? What is the theorem? That is, it's the first theorem. हम इसको start करते हैं as a first theorem. That is, opposite angles of a parallelogram are equal. हमने parallelogram का definition क्या दिया है? कि pair, opposite pairs of sides are parallel. ठीक है? अब ये जब parallelogram बनता है, इसका एक specification होता है. क्या है? Characteristics होता है. क्या होता है? कि इसके opposite angles जो है, opposite angles अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एक ऑपोजिट, ए फेसिंग कौन सा एंगल है? सी, दिख रहा है? Yes. और बी जो है, बी इज फेसिंग डी, एंगल डी, बी जो है एंगल डी को फेस करता है, तो दे आर नोन एज ऑपोजिट एंगल्स। तो पैरेललोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टी है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है? अब ये रिलेशन हम कैसे प्रूव करेंगे, दैट इज ये थ्योरम हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मैंने कहा था कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस, फाइन? तो पैरेलल लाइंस में हम क्या देखना चाहते हैं जिसके कारण हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी और एंगल, जैसे फर्स्ट रिजल्ट जो है एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, तो अगर हमने देखा कि ये जो ए बी जो है, दिस इज ए बी, इट्स ए बी, ए बी एंड एक लाइन, दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी, This is CD. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है,
तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो हम इससे कुछ कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड हमारे पास ये एक सिचुएशन है, दैट इज एक लाइन ऐसा है जो बी और डी को ज्वाइन करता है. इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. तो ये डी भी हमारा ट्रांसवर्सल हुआ. तो अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है तो आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं. देखो ये जो बी डी बनाने बनाते ही हमारे पास दो एंगल्स दिख रहे हैं. हमारे पास एक ए बी डी दिख रहा है और एक सी डी बी दिख रहा है. ए बी डी एंड एक सी डी बी. ठीक है, अब हम रिकलेक्ट करें जो हमने पहले पढ़ा था फिफ्थ सिक्स चैप्टर में, सेवन चैप्टर में, कि पैरेलल लाइंस में जो डैंग ये बना है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मेक्स टू एंगल्स. ये दोनों इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ये एंगल्स जो है इन दोनों का मेजर क्या होगा, सेम होगा. दैट इज बिकॉज ये दो लाइन जो है पैरेलल है. सो ये लाइन पैरेलल होने के कारण हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, अब मैं बच्चों को एक बार और बता देती हूं. यूजुअली क्या है, बच्चे ऐसे लिखते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री. वन दिख रहा है ना आपको, ये वाला है, इसको बोल रहे हैं वन, इस मेजर को बोल रहे हैं हम वन. ठीक है, इस मेजर को वन बोल रहे हैं एंड इस मेजर को हमने थ्री लिखा है. तो दैट करेक्ट, ये जो दिस इज अ ट्रांसवर्सल और ये दो ए बी साइड पैरेलल टू डी सी है, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल. तो बच्चे यहाँ रिलेशन लिखते हैं, मैंने हमेशा कई प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बच्चों को बताया ये बहुत ऐसा नहीं लिखना. क्या नहीं लिखना, इसके आगे लिखते हैं दे आर ऑल्टरनेट एंगल. हमें रीजन लिखना पड़ता है जब भी हम कोई चीज लिखते हैं ना, तो उसका रीजन लिखना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है करके. तो हम बच्चे अक्सर ये लिखते हुए पाया गया कि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये ऑल्टरनेट एंगल इज नॉट द रीजन, दे फॉर्म एन ऑल्टरनेट एंगल. नॉट ऑल ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हम मैंने बच्चों को करवा कर बताया है. देखिए ये दो लाइन सेगमेंट है, एल एम है और ये एन एन क्यू सब. अगर मैंने ये लाइन को ज्वाइन किया एल क्यू को, तो ये जो एंगल बन रहा है एम एल क्यू और एल क्यू एन, दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल. ये भी ऑल्टरनेट है. ओके, पर आपको इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं, इक्वल नहीं दिख रहे हैं. दैट इज बिकॉज एल एम इज नॉट पैरेलल टू एन क्यू. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे हमेशा मिस, या तो आप लिखिए ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी. राइट, और मैंने क्या लिखा, दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी है तो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, दैट इज करेक्ट. आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कि दे आर ऑल्टरनेट, दे आर ऑलरेडी ऑल्टरनेट. ए डी बी इज अ ट्रांसवर्सल का मीनिंग ही बता रहा है कि दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. फाइन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को वापस रिमाइंड कर रही हूँ. ठीक है, सो दिस इज वॉट वी हैव फ्रॉम हियर. अब आपको क्या मिलेगा, तो ये मिल रहा है हमारे पास एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री. जो एंगल ये है वन है, दिस इज इक्वल टू एंगल थ्री. ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. वैसे ही अगर आप देखेंगे ये बीसी भी इक्वल पैरेलल है एडी से. बिल्कुल, बीसी पैरेलल एडी से है. yes. वही एक लाइन जो है बीडी जो है वो ट्रांसवर्सल ही है, उसी के पेयर ऑफ ट्रांसवर्स है. तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्वल रहेंगे. टू एंड फोर विल ऑल्सो बी इक्वल. राइट, ठीक है. अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि मुझे हमें देखना क्या चाहिए, हमें मेजर एंगल बी का एंगल डी से कंपेयर कर रहे हैं. तो आपको क्लियरली दिख रहा है वन एंड टू को अगर हमने ऐड किया, आपने वन एंड टू को ऐड किया, ये वन है, वन एंड टू को ऐड किया तो हमारे पास मेजर हो जाएगा एंगल बी का. वैसे थ्री एंड फोर को अगर ऐड किया तो हमारे पास मेजर हो जाएगा एंगल डी का. तो ये ऑटोमेटिकली दे आर इक्वल. सो वी फाइंड दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ठीक है जी. अब देखिए, जैसे मैंने पिछली बार अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था, ये सब रिप्रेजेंटेशन है. देखिए यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है वन टू थ्री फोर से, यहाँ मैंने ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया. आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं फाइव सिक्स सेवन एट, इट्स योर चॉइस. कोई कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन आप लोग हमेशा यूज करें, ताकि आपको उस चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं. ठीक है, एंड डायग्राम में बिल्कुल बना दो, लिख लो, तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज जो डायग्राम देख के हमें दिखता है वो हमें एक्सप्रेशन में दिखना चाहिए. ये एल्जेब्रिक पार्ट है, लिखने वाला पार्ट है ये, और ये डायग्राम है. तो दोनों साइड बाई साइड होने से क्या,
जो भी पेपर चेक करता है उनको क्लियर दिख रहा है कि ये बच्चे ने इसके कारण ये लिखा है। यूजुअली बच्चे ये भी एक काम करते हैं ज्योमेट्री में, एक तरफ डायग्राम बनाते हैं उसके नीचे उन लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो क्या है, नीचे लिखते लिखते वो इतना नीचे चले जाता है कि एवेल्युएटर को ऊपर ढूंढने में काफी टाइम लगता है जी। तो हमेशा मैं बच्चों को भी ये भी बोलती हूँ कि आप डायग्राम को एक तरफ रखिए और सॉल्यूशन एक तरफ करिए, क्योंकि आपके पास आंसर शीट जो है लेंथ वाइज काफी स्पेस रहता है, आप ये मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड दैट द टू एंगल्स कम दे ऑपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट प्रूव हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। ये नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है कि डायगनल जो है, एक कोई भी एक डायगनल लेंगे, बता ये एसी एक डायगनल है अपना जी, एसी एक डायगनल है, ये डायगनल जो है पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है ना, दिख रहा है आपको ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कनेक्टेड है ये देखना है। दैट इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टू ट्रायंगल्स। अभी बच्चों याद करके दो, जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर हमने किया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो रिलेशन का मतलब मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या ये ट्रायंगल हम प्रूव कर सकते हैं क्या कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें ढूंढना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें फिर वो थ्योरम्स याद करना पड़ेगा। हमारे पास थ्योरम्स कौन कौन से थे, हमारे पास था SSS, दैट इज थ्री साइड्स आर इक्वल, थ्री दो साइड के बीच में एक एंगल इक्वल है, एक दो एंगल्स के बीच का एक साइड इक्वल है, एंड फाइनली एक एंगल 90 डिग्री है, एक हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और एक वन मोर साइड ये इक्वल है। तो हमारे पास इतने सारे क्राइटेरियाज हैं, अब इनमें से कौन सा यूज करना है वो हमारे ऊपर है। वो क्वेश्चन को हमको समझ के हमको यूज करने के लिए कौन कौन सा एलिमेंट्स लेना है वो देखना है हमें। जैसे अभी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल एडीसी जो है ट्रायंगल एबीसी से कॉन्ग्रुएंट है जी। ठीक है, तो आपको प्रूव करने के लिए आपको क्या लेना है, थ्री साइड्स, दोनों ट्रायंगल के थ्री साइड्स इक्वल होना चाहिए, और दो एंगल, कोई आप दो एंगल ढूंढिए उसके बीच का साइड इक्वल होना चाहिए, और दो साइड के बीच का एक एंगल आपको, यू हैव टू फाइंड आउट। तो क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो डायग्राम में डालो। इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारा जो फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है वेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन है, तो मैंने ये डाल दिया था यहाँ पे, These two are parallel, as well as ये भी इसके parallel है। ठीक है, Now how will that help us? Let us see that. तो मैंने लिखा triangle ADC, triangle ABC. ठीक है, अब इस triangle ADC और ABC में आपको क्या क्या information दिख रहा है, AB जो है CD से parallel है, तो isn't angle A equal to angle C? देखिए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, देखिए ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल है एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, सो दे आर पैरेलल, इंप्लाइज एंगल दिस इज दे आर इक्वल। फाइन, लाइकवाइज एडी जो है बीसी के पैरेलल है, एंगल वन एंड एंगल टू विल आल्सो बी इक्वल। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या मिल गया, दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हो चुके हैं। तो हम क्या ढूंढेंगे, दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक ही केस है ये, दैट मीन्स आप ढूंढ रहे हैं एक साइड जो दोनों एंगल्स के बीच का है, वो कौन सा साइड हो सकता है दोनों एंगल को कनेक्ट करता है, वही साइड है ना एसी, एसी ट्रांसवर्सल लाइन जो है आपको एबीसी ट्रायंगल में भी दिख रहा है, एडीसी में भी दिख रहा है, यस दोनों में दिख रहा है आपको, यस तो दैट मीन्स इट्स अ कॉमन साइड, ऑब्वियसली लेंथ सेम होना चाहिए, तो हमारा क्राइटेरिया सैटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस आप एसी को ज्वाइन करके भी बना सकते हैं या बीडी को भी। तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दैट थ्योरम दैट वी हैव, कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसका जो डायगनल है वो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। फाइन जी, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव another, that is opposite sides of a parallelogram are equal. Parallelogram ka definition kya dekha hai ki parallelogram are where opposite pairs are parallel. Fine. Now here opposite sides are equal. Ye prove karna hai. Aap usko prove karne ke liye hame extra kuch prove karne ki zarurat nahi hai. Aap yahan dekhiye, ye result se hame ye result milta hai. Ji.
दैट इज आपको ये प्रूव करना पड़ेगा पहले बच्चों, ये आपको याद रखना है कि ये थ्योरम आएगा तो आपको सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली देन यू कैन राइट दिस रिजल्ट. दिस इज अ रिजल्ट बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंस. रिजल्ट बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंस मीन्स आपने प्रूव कर लिया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अब हमने प्रूव करने में सिर्फ तीन ही एलिमेंट लिए, दो एंगल और एक साइड लिया है जी. बाकी दो तीन एलिमेंट बचे हैं, दो साइड और एक एंगल बचा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं कि वो भी इक्वल होंगे. तो उनमें से ये एक रिजल्ट है कि दोनों साइड्स इक्वल है एंड ऑपोजिट एंगल वैसे भी इक्वल है हमारे पास, बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है अपने पास. सो देयरफॉर द टू ट्राइंगल द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विल आल्सो बी इक्वल. राइट, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, अगर मान लो you have in a quadrilateral a pair of opposite angles are equal. Right. Ma'am, before you move ahead, I really have to interrupt you here. I'm very sorry for that, but we are running short of time. So, aap agar ye theorem next part mein just explain kar paye to I guess wo zyada better rahega. बिकॉज अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट्स आपने फिलहाल हमें समझाए हैं आई एम श्योर वो बच्चों को समझ आए होंगे, मुझे बहुत अच्छे समझ आए हैं. एंड फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन वी वुड लाइक टू थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स? वेल एज सून एज दे विल राइट टू अस मैम, वी विल फॉरवर्ड दोज ईमेल्स टू यू. थैंक यू सो मच. So students and viewers, that was our session for today, जहाँ पर हमने बात करी कि किस तरीके से you know हम quadrilateral के different concepts को समझ सकते हैं. It was just part one, but because of you know a lack of time, we have to wind up this session here. But in a short while from now, you can watch our next live and interactive online training session. It would be day 5, and the theme would be cyber club activities on legal aspects of cyber security. फिलहाल के लिए दिस इज मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू फ्रॉम दिस सेशन हियर, बट प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन. नमस्कार.